हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर वेल। वी आर डूइंग क्लास 7 साइंस। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर नेक्स्ट लेसन नंबर 3, फाइबर टू फैब्रिक। सो एज वी नो, क्लोथ्स आर द वन ऑफ द बेसिक नीड्स ऑफ ह्यूमन बीइंग अपार्ट फ्रॉम फूड एंड शेल्टर। फूड और शेल्टर के बाद जो ह्यूमन बीइंग्स हैं उनकी बेसिक नीड है क्लोथ्स। बिकॉज क्लोथ्स सिर्फ हमारी बॉडी को कवर ही नहीं करते, वो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम द हार्श वेदर कंडीशन लाइक डस्ट, इंसेक्ट बाइट, हीट एंड कोल्ड। सो एज वी नो, वी वेयर द डिफरेंट क्लोथ्स अकॉर्डिंग टू द ओकेजन एंड अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेट ऑफ द डिफरेंट प्लेस। सो क्लोथ्स आर मेड फ्रॉम द फैब्रिक्स। एंड वट इज़ फैब्रिक? फैब्रिक जो है वो फाइबर से बनता है। फाइबर लाइक जैसे प्लांट ग्रो करते हैं, कॉटन, कॉटन प्लांट को जब हम ग्रो करते हैं तो उससे जो हमें कॉटन ऑब्टेन होता है उसको बोलते हैं फाइबर। फाइबर के जो अंदर जो थिन हेयर लाइक स्ट्रैंड्स होते हैं उनको नीटेड करके, वुवन करके, बुन के उनके यार्न बनाए जाते हैं। यार्न से फिर आगे फैब्रिक्स बनते हैं। सो फैब्रिक्स आर मेड फ्रॉम द यार्न दैट आर वुवन और नीटेड फ्रॉम द हेयर लाइक स्ट्रैंड्स कॉल फाइबर्स। फाइबर जो है वो नेचुरल भी हो सकते हैं और आर्टिफिशियल भी हो सकते हैं। द फाइबर दैट वी गेट फ्रॉम द प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर एंड द फाइबर दैट आर मेड बाई ह्यूमन बींग्स इज कॉल्ड आर्टिफिशियल फाइबर। सो इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट द फाइबर दैट वी ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स। सो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट, दैट इज़ वूल। वूल एक एनिमल फाइबर है जो एनिमल्स की फ्लीस से ऑब्टेन होता है। फ्लीस क्या है? सॉफ्ट कोटिंग है फाइन हेयर्स की जो उनकी बॉडी को कवर करती है ऊपर से और उनको प्रोटेक्ट भी करती है कोल्ड कंडीशन से। बिकॉज जो वूल फाइबर है वो हवा को ट्रैप कर लेता है अपने बीच के स्पेस के अंदर एंड एयर इज़ ए बैड कंडक्टर ऑफ हीट जो उनकी बॉडी को विंटर्स के अंदर गर्म रखता है, प्रोटेक्ट करता है, जो हीट है उसका लॉस नहीं होने देता। सो विच हेल्प द कीपिंग द बॉडी ऑफ दीज एनिमल्स वार्म। नाउ लेट्स डिस्कस द सम करेक्टरिस्टिक्स ऑफ वूल फाइबर। वूल फाइबर की क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं? वूल फाइबर जो है मोस्टली क्रीमी वाइट कलर का होता है। इसके जल्दी से रिंकल्स नहीं पड़ते, काफ़ी ड्यूरेबल है, काफ़ी टिकाऊ है, इलास्टिक होता है, बैड कंडक्टर ऑफ हीट है, हीट को बाहर नहीं निकलने देता। इट ऑब्जॉर्ब मॉइस्चर टू ग्रेट एक्सटेंट, काफ़ी हद तक मॉइस्चर को ऑब्जॉर्ब कर लेता है। नेक्स्ट है एनिमल दैट इज वूल। कौन कौन से एनिमल से हमें वूल मिलती है? फर्स्ट इज शिप। शिप से हमें टू टाइप्स की वूल जो है, फाइबर जो है वो ऑब्टेन होता है। फर्स्ट इज द कोर्स बीड हेयर एंड सेकंड वन इज द सॉफ्ट फाइन अंडर हेयर दैट यूजली ग्रो क्लोज टू द स्किन। पहले तो काफ़ी कोर्स मीन्स काफ़ी रफ टाइप के हेयर्स इनकी बॉडी से मिलते हैं और सेकेंडली जो इनके अंडर स्किन मीन्स अंडर ग्रो करते हैं, स्किन के नियर जो ग्रो करते हैं हेयर्स, वो काफ़ी सॉफ्ट होते हैं जिससे काफ़ी सॉफ्ट टाइप का वूल ऑब्टेन होता है। और जो बेस्ट और फाइनेस्ट वूल है वो ऑब्टेन होता है मेरिनो शिप से। अलग अलग शिप्स की अलग अलग वूल फाइबर हमें ऑब्टेन होता है, अलग अलग क्वालिटी होती है। सेकंड वन इज़ गोट। वूल इज़ आल्सो ऑब्टेन फ्रॉम द सम गोट, जैसे कि अंगोरा एंड कश्मीरी ब्रीड जो है वो सबसे अच्छी ब्रीड है वूल को ईल करने की। अंगोरा गोट्स जो है वो मोस्टली अंगोरा रीजन जो तुर्की में है वहाँ पर पाए जाते हैं। इसमें से काफ़ी सॉफ्ट लस्ट्रस फाइबर जो है वो ऑब्टेन होता है, एक मोहेर फाइबर ऑब्टेन होता है अंगोरा गोट से। कश्मीरी गोट जो है वो तिब्बत और चाइना के अंदर मोस्टली फाउंड होती है और इसमें से भी काफ़ी, इसकी बॉडी से भी काफ़ी सॉफ्ट एंड वार्म फाइबर ऑब्टेन होता है जिसको कश्मीर फाइबर बोलते हैं और काफ़ी रेयर और एक्सपेंसिव होता है। नेक्स्ट है कैमल। कैमल की बॉडी से भी सॉफ्ट वार्म एंड लाइट वेटेड वूल ऑब्टेन होता है। एनुअली अगर हम बात करें तो एक मेल कैमल से 12 टू 15 केजी वूल ऑब्टेन होता है और एक फीमेल कैमल से 6 टू 8 केजी वूल ऑब्टेन होता है। बेस्ट क्वालिटी जो वूल की है वो वैक्टेरियन कैमल और साइबेरिया, मंगोलिया और चाइना में जो पाए जाते हैं उसकी जो है बेस्ट क्वालिटी होती है। इसके बाद है एल्पैका, विक्यूनिया एंड लामा। ये कुछ एनिमल्स हैं जो कैमल फैमिली को बिलोंग करते हैं और इनमें से भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी का जो है वूल फाइबर ऑब्टेन होता है। नेक्स्ट एनिमल इज रैबिट एंड याक, जिनसे हमें वूल ऑब्टेन होता है। वेरी फाइन सिल्की वूल जिसको कि अंगोरा वूल बोलते हैं, वो अंगोरा रैबिट से ऑब्टेन होता है एंड याक की बॉडी से भी
वूल ऑब्टेन होता है, जो मोस्टली लद्दाख और तिब्बत के अंदर पाए जाते हैं। तो ये थे कुछ एनिमल जिनकी बॉडी से हमें वूल ऑब्टेन होता है। सो आई होप यहाँ तक आप सभी को क्लियर हो गया होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।